देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इंदौर में शिव पुराण कथा चल रही है और बुधवार को इसका विराम होना है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा से समय निकालकर उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने जो बात कही उसका वीडियो वायरल हो गया है। कथा के दौरान भीड़ इतनी हो गई थी कि लोग सड़कों पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे। यहां पर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी थे। तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में प्रदीप मिश्रा को भी जानकारी दी। इस दौरान प्रदीप मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी छोटे से छोटे आदमी से मुलाकात कर रहे हैं यह काबिल तारीफ है। उन्होंने आगे कहा कि छिंदवाड़ा की जनता आपको बहुत दिनों से आमंत्रित करने का मुझे बोल रही है, पर आपकी व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द छिंदवाड़ा आकर अपनी कथा को अंजाम तक पहुँचाएं। पंडित मिश्रा जी ने कमलनाथ को जल्द से जल्द छिंदवाड़ा आकर कथा करने का वचन दिया है। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।